हेलो एवरीवन। तो आप सब जुड़ चुके हैं बैच के साथ 100% बच्चों। बहुत बड़ा सपना आप लेके चल रहे हैं, तो बड़े सपने के साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं बता दूं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो 12th के साथ जिनके एग्जाम कैंसिल हुए इस बैच को, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, मैं बता दूं बच्चों कि 11th क्लास इतने अच्छे से आपने नहीं पढ़ी होगी जितने अच्छे से आपने 12th क्लास पढ़ी है। बिल्कुल ज्यादा समय मिला है 11th क्लास में, कम समय मिला। दूसरी बात, 11th क्लास में हमने वो सीरियसनेस नहीं रखी। दूसरा ये कि एग्जाम भी नहीं हुए तो हमारी पढ़ाई पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, इसका मतलब रिविजन भी तुम नहीं कर पाए। तो हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे उस चैप्टर पर जो एक तो 11th क्लास से जुड़ा हो और जिनका वेटेज भी ज्यादा हो। तो वेटेज वाला वीडियो आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूंगा किस तरीके से देखना उसको। नहीं तो बच्चों बात इतनी सी है कि हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पीड में बोलूंगा, मेरी आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी बच्चों, लेकिन बच्चों तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है। 100% मेरे द्वारा लिखा गया जो स्क्रीन पे होगा उससे आवाज जरूर मैच होगी, तो अपन आगे चल सकते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन। आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा होगा बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे आपको जो लिखा आप बोलो ये तो इंग्लिश में है, नहीं बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। यही स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के वो कंटेंट लाइब्रेरी में से। आप अपने बैच के साथ इसी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाम पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, जिसे मापा जा सकता है। क्या बच्चों, मापा मतलब क्या है बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजरमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, मेजरमेंट की। मतलब ये है कि एक्चुअली में हम जो सिस्टम उठा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, एक्चुअली में मेजरमेंट यूनिट से आया है, तभी तो अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 किलोमीटर लंबी रस्सी लेके आओ, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है अगर मैं बोला 2 किलोग्राम लंबी रस्सी लेके आओ, नहीं, 2 किलोमीटर लंबी रस्सी तो हो सकती है, लेकिन 2 किलोग्राम लंबी रस्सी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें यूनिट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये तो सारी फालतू की बातें 11th क्लास में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अपन बातें करते हैं। कुछ क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसके क्लासिफिकेशन है बच्चों बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। पहला तो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है बच्चों, डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तुम्हें पता है बच्चों, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो। एग्जाम्पल लिख रहा है बच्चों, मास डेंसिटी और वॉल्यूम, ये है बच्चों हमारे पास स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये है बच्चों वेक्टर। क्वांटिटीज डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक को बोलते हैं फंडामेंटल मतलब बेस बच्चों, बिल्कुल सही है। और सेकेंड नंबर क्या है बच्चों, डिराइव्ड। क्या है बच्चे, डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब होता है व्युत्पन्न। क्या होता है बच्चों, व्युत्पन्न, और इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, मूलभूत भौतिक राशियां। बिल्कुल सही है, 100% समझ में आया तुम्हें। तो इस तरीके से डिराइव फंडामेंटल पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो ये दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और एक उनकी डिपेंडेंसी के आधार पर। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, इतना कुछ हमें पता होना चाहिए। सारी थ्योरी एक बार पढ़ के देखना, थ्योरेटिकल पोर्शन को अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कुछ कुछ और भी होगा जो मैं तुम्हें बताता रहूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ के देखना और इसका सोल्व करने की कोशिश करना। हमें बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर एंड वर्क अंडर द किस कैटेगरी इसके अंदर आता है। तो बच्चों यहाँ पे बेस, स्केलर, वेक्टर सब कुछ आ रहा था। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बेस और यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा डिराइव्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे स्केलर और यहाँ पर लिख देता हूँ वेक्टर। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये वेक्टर है, लेकिन अब उनको ये देखना है कि बेस और डिराइव्ड में से किस में आएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया इसमें, बोलो हाँ समझ में आया नहीं आया बच्चों, बिल्कुल सही है, पक्का ना बच्चों, क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल सही है 100%। नेक्स्ट बच्चों मास, मास किस में बच्चों, मास है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, वो भी बेस में, तो यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों मास। फोर्स, फोर्स है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, वो भी किस में बच्चों, डिराइव्ड में। तो ये सब चीजें तुम इसको सॉल्व करके देखना बच्चों, तुम्हें आंसर मिलेगा। जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IMR² होता है। एक्चुअली में ये सर्कुलर मोशन पर डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं बच्चों, ना तो ये स्केलर होता है और ना ही ये वेक्टर होता है। इसका मतलब इसे अपन कहते हैं प्रदिश राशियां। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रदिश राशियां, जो अदिश और सदिश दोनों नहीं होती है। एक्चुअली में प्रदिश राशियां ना बोल के इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंसर क्वांटिटीज। अ क्वांटिटी इज नोन एज टेंसर, अगर वो क्वांटिटी टेंसर कब कहलाएगी, जब वो वेक्टर और स्केलर दोनों प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है। इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अपन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्रेशर बच्चों स्केलर क्वांटिटी होगी, वर्क डन भी बच्चों कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी, बस ये देखना है कि बेस्ड होगा या ड्राइव होगा। इसको ड्राइव एक सिस्टम में मैनेज करके रख लेना बच्चों, तुम्हारे पास सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से तुम बॉक्स बना देना, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट हम सबने अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों, वैसे तो
एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, सही है ना बच्चों? फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये तीन हमारे पास सिस्टम है। इन तीनों को मात देते हुए एक और नया सिस्टम आया था बच्चों, कौन सा? एसआई सिस्टम। इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली में एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल पहले आता है, सिस्टम बाद में आता है, लेकिन इसको आईएस नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों एसआई सिस्टम। डरने वाली बात नहीं, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम, ठीक है ना बच्चों? तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, इसे कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग। मतलब ये है कि ब्रिटिश के अंदर पहले आया था ये, गाउसियन, गाउस ने पहले दिया था। दोनों बच्चों क्या है, ब्रिटिश की है बच्चों, एक तरीके से मैं बता देता हूँ। और एमकेएस जो है वो अधिकतर यूज होने वाली है अपने इंडिया में। कौन से सिस्टम यूज होता है बच्चों? एमकेएस या फिर एसआई। एसआई मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई यूनिट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं अपन एसआई सिस्टम की, तो हमारे पास ये सात, तीन तो हमें पहले से पता बच्चों, लेंथ, मास और टाइम, और उसके अलावा चार और है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है सारी, जिनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये सारी की सारी है इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनको फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं, जो कि एसआई सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल, कैंडेला, केल्विन, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर, मोल, सेकंड, किलोग्राम, मीटर, ये सब कौन सी बच्चों? सेवन के सेवन ऐसा यूनिट है। जैसे सात करिश्मा, सात अजूबे हैं ना दुनिया में, वैसे ये सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद है बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यूनिट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एक क्लासिफिकेशन अपने एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पढ़ लिया है ना, अब इसमें किस टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? स्पेशल टाइप का। जैसे मान लो बच्चे फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, तो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। ड्रैड मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करते हुए बनती है। जैसे स्पीड की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड, तो एक तो आ रहा बच्चे मीटर, एक आ रहा बच्चे इसमें सेकंड, एमकेएस सिस्टम का, बोलो हाँ बिल्कुल सही है। या फिर एसआई सिस्टम का यूज हो रहा है, जिसमें मीटर और सेकंड टाइम को यूज किया जा रहा है, मीटर पर सेकंड से बन रहा बच्चों स्पीड, तो इससे क्या बन गया बच्चों हमारे पास, ये ड्रैड बन गया। तो एक फंडामेंटल यूनिट होगी और एक ड्राइव यूनिट होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट तुमने ढंग से पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? एंगल की बात हो रही है। तो एंगल की बात समझाने के लिए मैं तुम्हें यहां पर एक सिंपल सी चीज बताता हूं बच्चों। एक डायग्राम बनाते हैं ना अपन, मान लो एक डायग्राम हमारे पास ये है और एक है डायग्राम हमारे पास बच्चे ये, दोनों में डिफरेंस तुम्हें दिख सकता है क्या बच्चों? अच्छे से बिल्कुल दिख सकता है, क्यों नहीं दिख सकता? यहाँ से अगर एंगल सबटेंड करो और यहाँ से भी एंगल बनाओ, तो ये एंगल कैसा बनेगा बच्चों? ये 3D टाइप का एंगल बन रहा है, लेकिन ये 2D बन रहा है। एक्चुअली में इसे अपन बोलते हैं बच्चों प्लेन एंगल, क्योंकि ये 2D है ना, प्लेन में बन रहा है, इसे अपन बोलते हैं स्पेस वाला एंगल। और या फिर इसे अपन बोल सकते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। क्या बच्चों? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्यों बोला, इसे जल्दी से बता दो। सॉलिड एंगल इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर सॉलिड भरा हुआ बच्चों। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा देना बच्चों, पहले कह देता हूँ, ठीक है ना? सॉलिड मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? नहीं है? अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ सही है, चलेगा ना बच्चे? दिख रहा सबको कि थोड़ा सा और दूसरा कलर लू? मेरे ख्याल से अब दिख जाएगा तुम, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल बन चुका है बच्चों, और सॉलिड एंगल के पीछे वाली साइड को तो मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, व्हाइट व्हाइट कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एक्चुअली में इनको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है, ऐसे प्लेन एंगल को बोलते हैं रेडियन से मेजर करना, और इसे कौन बोलते हैं बच्चों? स्टे रेडियन से यूज करना, ठीक है ना बच्चे? समझ में आया नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में जानकारी जिसको नहीं थी उसको हो गई होगी, ये थ्योरी पढ़ के देखना बच्चों। हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम से डाउनलोड कर लेना, कोई बड़ी परेशानी वाली बात है नहीं। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट वो यूनिट होती है जो प्रैक्टिकली यूज की जाती है बच्चों। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें अगर बात करूं कि 1 माइल, अब जैसे विदेशों में तो क्या होता है माइल पर आवर बोला जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो प्रैक्टिकली अपन किलोमीटर पर आवर स्पीड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जबकि विदेशों में, फॉरेन में बात करेंगे तो माइल पर आवर। तो माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं एक्चुअली में, तो ये प्रैक्टिकली यूज होने वाली यूनिट्स कहलाती है बच्चों। इसी प्रकार एक और यूनिट है जैसे AU, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये प्रैक्टिकली यूज होती है स्पेस के लिए ना, प्लेनेटरी मोशन जब अपन पढ़ेंगे, क्लेपलर थ्योरी और काफी सारी चीजें, तो वहाँ AU आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तुम्हें पता है ना बच्चों क्या होता है? बिल्कुल सही है, इसके बारे में और चर्चा देखेंगे बच्चों अपन, है ना, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकली यूज होने वाली यूनिट से। फिर आता है बच्चों इम्प्रॉपर यूनिट्स। कौन सी बच्चों? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है जल्दी से बता दो। इम्प्रॉपर मतलब जैसे मान लो कि अपन, मम्मी ने बोला कि जा बेटा आटा लेके आ, अब आटा लेके गया तो मम्मी ने बोला बेटा जा 2 1 किलोग्राम आटा लेके आ, तो तुम मार्केट में आटा लेने गया, आटे वाले ने आटे को इस तरीके से तोला होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, तराजू लिया होगा। अब तराजू में यहाँ पर रखा वेट और यहाँ पर रखा तुम्हारा आटा, अब एक्चुअली में क्या किया उसने, एक्चुअली में इसने वेट ही तो नापा एमजी को, एमजी का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन, जो कि किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स। फोर्स मतलब ये एक्चुअली में न्यूटन होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इसको क्या लेते हो, किलोग्राम बोलते हो, 1 किलोग्राम आटा दे देना, लेकिन एक्चुअली में तुम क्या नाप चुके हो बच्चों? 1 न्यूटन नाप चुके हो। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम प्रैक्टिकली उसको जो किलोग्राम में यूज करना चाहिए, न्यूटन में यूज करना चाहिए था, वैसे यूज नहीं कर रहे हो,
इम्प्रॉपर तरीके से यूज करो, जो कि प्रथा चली आ रही है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर यूनिट बोलते हैं। और इसे किलोग्राम वेट बोला जाता है, एक्चुअली में क्या बोला जाता है, किलोग्राम वेट। जैसे मेरा वेट विदेशों में क्या बोलते हैं, जैसे जॉन सिना 222 पाउंड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अपन तो क्या बोलेंगे बच्चों, 86 किलो का है, 90 किलो का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इम्प्रॉपर यूनिट तुम्हें समझ में आ गया, प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर रहे हैं, कि आटे को न्यूटन में नापना चाहिए था, लेकिन किलोग्राम कर रहे हैं, मतलब ये इम्प्रॉपर यूनिट होगी हमारे सामने, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फॉर डिफरेंट सिस्टम। जैसे मान लेते हैं बच्चों लेंथ की, मास, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। एनर्जी की बच्चों खास बात है ना, वर्क और एनर्जी। सीजीएस में अर्ग होता है, इसमें जूल होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, फुट पाउंडल। क्या होता है बच्चों, फुट पाउंडल। जैसे फोर्स है, यहाँ पर डाइन होता है, यहाँ पर न्यूटन होता है, एमके सिस्टम में तो न्यूटन होगा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, पौंडल है। क्या है बच्चों, पौंडल। फिर लेंथ की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर और फुट, ये तो हमें कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। इसको सेंटीमीटर, सीजीएस में क्या बोलते हैं, एमकेएस में क्या बोलते हैं, और एफपीएस में क्या बोलते हैं, तो इन तीनों के बारे में तो पता था। फोर्स के बारे में बच्चों कभी कभी आ जाता है कि डाइन, डाइन यहाँ पर चुड़ैल की बात नहीं हो रही बच्चों, पहले कह देता हूँ, हाँ जरा सोचने वाली बात नहीं है। फिर ऐसे सीजीएस और इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों, इसको अपन जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और जूल पर सेकंड ही वाट होता है। अब इसको WHAT वाट नहीं बोलेंगे कंफ्यूज होने के लिए, क्या बोलेंगे, WATT वाट, ठीक है ना बच्चों, वाट लगा दूंगा, ठीक है ना, वाट राउंड, वट 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 वाला राउंड, वट वट। अगला बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कन्वर्जन फैक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा, कन्वर्जन फैक्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन फैक्टर, की कन्वर्जन फैक्टर आखिर होता क्या है। कन्वर्जन फैक्टर सीधी सी बात है, जैसे मैंने बोला 1 किलोग्राम, तो उसको क्या बोल दो कि तुम 1000 ग्राम, ये होता है कन्वर्जन फैक्टर। एक्चुअली में क्या हुआ बच्चों, अगर अपन थोड़ा सा गौर फरमाए तो ये है बच्चों 1 kg, और इसी 1 kg को मैं अगर लिख रहा हूँ 1000 ग्राम, तो kg का मतलब एक अलग सिस्टम है, ठीक है ना, नहीं, ग्राम मतलब एक और सिस्टम है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये भी क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको बोलूंगा मैं N1, इसको बोलूंगा U1, इसको बोलूंगा N2, इसको बोलूंगा U2, क्योंकि ये एक U1 और ये U2, मतलब सिस्टम की यूनिट है ना बच्चों। पहले सिस्टम की यूनिट को U1 बोल दिया, दूसरे सिस्टम की यूनिट को U2 बोल दिया, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और N2 रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, N1 U1 बराबर क्या होगा, N2 U2। हाँ बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सा तो हमें पता होना ही चाहिए। बोलो हाँ समझ में आ गया गाँव वालों, जल्दी से बोल दो बच्चों, समझ में आया नहीं आया, पक्का ना बच्चे, चलेगा, बिल्कुल सही है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया है कि क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चे, कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज क्यों ना हो जाए। तो इससे पता चल गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट से रेसिप्रोकल होती है, बिल्कुल सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे चल सकते बच्चों, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, कन्वर्जन फैक्टर है, इतने फुट होते हैं और इतने इंचेस होते हैं। तो कुछ काफी सारे कन्वर्जन फैक्टर स्क्रीन पे तुम्हारे आएंगे बच्चों, अच्छे से समझना। जैसे मान लो कि लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ में कितने कितने कन्वर्जन फैक्टर है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इन पे कुछ ही पर गौर फरमाऊंगा। सबसे पहले पहली लाइन तो देख लो बच्चों, 1 मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंचिस और यार्ड, ये सब क्या है बच्चों, ये हमें याद होना चाहिए। किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर और फुट को आपस में कैसे इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 3.2 फिट लिख देना बच्चों, है ना, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बोलूँ कि 1 फिट में कितने मीटर होते हैं, तो अपन लिख देंगे 1/3.2, इसको डिवाइड कर देना 10/32, तुम चाहो तो इसको 5/16 और कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, आंसर मिलेगा मिलेगा। तो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन छोटे छोटे अपन को पता होने चाहिए। ये जेई में पूछने वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चों काम आते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे काम आते हैं। इसी प्रकार किलोमीटर में, माइल में, ये छोटी मोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या मैं बताता हूँ ना। जैसे मान लो बच्चों माइक्रोन है ना, तो 10^6 है, बिल्कुल सही है। ई, इसकी जगह आएगा बच्चों 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, इसकी वैल्यू होती है 10^-10 मीटर। ओके, फर्मी, इस पर गौर फरमाना बच्चों, फर्मी ये तुमने पढ़ा होगा बच्चों, फर्मी एनर्जी लेवल, बताओ कहाँ पढ़ा है, ये तुमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है ना बच्चों, फर्मी एनर्जी लेवल। ये 10^-15 तो चलता है, इसका मतलब ये लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसीलिए ये फर्मी लेवल की बात करने का मतलब एटॉमिक लेवल पर बात करता है बच्चों। बोर रेडियस ये इतने आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है एक्चुअली में, 0.529×10^-10 मीटर, बिल्कुल सही है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, ये इंटू का सिंबल है, 1.49×10^11। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ये होता है बच्चों ये। और एक पारसेक, मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड, कितना हो गया बच्चे, ये 3.08
10^16, इससे पता चला 16 कहीं पे भी नहीं आया। जैसे -15 था, स्मॉलेस्ट था, ये क्या है बच्चों, लार्जेस्ट है। क्या है बच्चे, लार्जेस्ट। अपन क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस की जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है बच्चों। क्या है, लार्जेस्ट यूनिट। समझ में आया नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है, चलेगा, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है जो हमें पता रहनी चाहिए, ये याद रख लेना बच्चों। कीवर्ड्स लिखना बच्चों, जैसे फर्मी हो गया, एयू हो गया, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों मास। मास के लिए भी फर्स्ट लाइन हमेशा याद रखना, क्योंकि मास काम आएगा ही आएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। इसी प्रकार 1 kg के अंदर कितने पाउंड होते हैं, 22.2 पाउंड। अगर मान लो कोई 700 किलो का है, कितना बच्चों, सॉरी 70 किलो का, तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपल सा, तो हमारे पास आंसर जो बनता है वो 154 lb। एल बी मतलब पाउंड। तो अपन अगर WWE में लड़ने जा रहा है, तो अगर बोले ना कोई 70 किलो का, तो लेकिन अगर किसी ने बोल दिया 154 पाउंड, भाई साहब खतरनाक हो जाती है वो चीज। ठीक है ना बच्चों, आगे चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, और टन में कितने होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ये भी लिखा हो बच्चों, ये तुम याद रख लेना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने में काम आएगा ये सब चीजें। ठीक है ना, और चंद्रशेखर लिमिट, ये बच्चों मास की सबसे बड़ी लिमिट है ना, चंद्रशेखर लिमिट कितना है बच्चों, देख लेना एक बार। 10 की पावर मतलब मास ऑफ सन के 1.4 टाइम होता है बच्चों, मास ऑफ सन के। ये एक चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि चंद्रशेखर एक इंडियन साइंटिस्ट थे बच्चों। क्या थे बच्चों, एक इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है ना, ओके। AMU, ये 10^-27 का 27 चल रहा है बच्चों, ये स्मॉल यूनिट होगी मास की। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टाइम। टाइम के अंतर हमें सिक्वेंस पता होना चाहिए, कितने आवर मिनट और सेकंड आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे छोटी यूनिट ऑफ टाइम क्या है बच्चों, ये देखो मैंने स्क्रीन पे बना दिया है, शेक। क्या है बच्चों, शेक है ना, सबसे छोटी यूनिट। और टेम्परेचर का ये रिलेशन तुम सबको पता होना चाहिए, कब तुम्हारे दिमाग में बहुत बार आता है बच्चों, तो इसका रिलेशन याद रखोगे बच्चों। 1 केल्विन का मतलब होता है 273+ डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो बच्चों। 1 केल्विन मतलब अगर मैं लूँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन है, तो 275 केल्विन, ऐसा बोलेंगे बच्चों। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में सीधी सी बात है, 273 में मल्टीप्लस कर देना सिंपल सा। और इसी प्रकार अगर 1 केल्विन की मैं बात करता हूँ फारेनहाइट की, तो फारेनहाइट में 459.67 को जोड़ना और नीचे 1.8 का डिवाइड कर देना। तुम ये लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन फारेनहाइट का केल्विन में चेंज करना जरूर अपन को आना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले बच्चों हमारे पास जो तुम्हें याद रखना चाहिए, सी इंटू 9/5 + 32 डिग्री, ये एक फारेनहाइट की वैल्यू। अगर मैंने बोला 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फारेनहाइट होंगे, तो कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 9/4 + 32 डिग्री फारेनहाइट, सॉल्व करके देख लेना बच्चों, हमेशा आंसर मिलेगा। ये रैंकाइन बच्चों हमारे पास नया है, एक टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है। रैंकाइन साइकिल तुम पढ़ोगे, पढ़ा भी होगा तुमने शायद बच्चों, रैंकाइन साइकिल, कार्नोट साइकिल, किसमें बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में, तो वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्पीड। स्पीड के लिए बच्चों कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, जिसको तुम स्पीड के फॉर्म में याद रख सकते हो बच्चों, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, रेडियन है, रेडियन पर सेकेंड कर दूंगे बच्चों। इसमें एक आता RPM, इससे बोलते बेटा रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या बोलते हैं बेटा, रिवोल्यूशन पर मिनट, बोलो। हाँ समझ में आगे नहीं आया बच्चों, बिल्कुल सही है। तो एंगुलर स्पीड की बात करी थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर RPM लिख दिया, नहीं तो बाकी सब चीजें तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन में कितने एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तुम शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, बोलो। हाँ समझ में आया नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है या नहीं है, चलेगा ना, आगे चले बच्चों अपन। अब आता बच्चों हमारे पास टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुम्हें नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि तुम सोचो कि हाँ मजा आ रहा, समझ में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो डायमेंशन पढ़ने के लिए बच्चों कुछ नहीं, अगर जैसे मान लो मैंने लिखा है स्पीड, क्या लिखा है बच्चे, स्पीड, तो स्पीड की जो डायमेंशन होगी बच्चे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायमेंशन की, तो स्पीड की डायमेंशन होती है 0, 1, -1। अब ये कैसा है तुम सोच रहे होंगे, सोचो जरा। एक्चुअली में डायमेंशन का मतलब होता है कि कुछ बेस यूनिट है हमारे पास, है ना। जैसे मैं तो बात कर रहा हूँ बच्चों, एक तो मास की, एक मैं बात कर रहा हूँ बच्चों लेंथ की, और एक बात कर रहा हूँ बच्चों मैं टाइम की। तो मास मतलब m, लेंथ मतलब टाइम, लेंथ मतलब एल, और टाइम मतलब टी। तो मास की जो पावर है कितनी आ रही है, लेंथ की जो पावर है बी वो कितनी आ रही है, टी की पावर जो सी वो कितनी आ रही है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशन बोलते हैं। पावर को बोलेंगे केवल डायमेंशन, याद रखना, डायमेंशन किसको बोलेंगे, केवल केवल पावर को। अगर हमसे पूछे कि इसकी पावर बता दो, डायमेंशन बता दो, तो केवल सिर्फ लिख देना बच्चों 0, 1, -1।
0, 1, -1, बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बोले कि डायमेंशन फॉर्मूला बताओ तो बोलना बच्चों ये लो स्पीड इज इक्वल टू m0 L1 t -1, रेक्टेंगल बॉक्स में लिख देना। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन बोले तो v इज इक्वल टू m0 L1 t -1, और ऊपर वाले में तो क्या आया था 0, 1 और -1। बस बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, केवल पावर लिख रहे हैं, केवल और केवल अगर क्या लिख रहे हैं बच्चों अपन पावर लिख रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये रहेगा। लेकिन अगर स्पीड लिख रहे हैं स्पीड के बराबर में और रेक्टेंगल बॉक्स में तो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है, नहीं तो डायमेंशनल इक्वेशन कब, जब यहाँ पर एक वेरिएबल भी यूज कर लें, इसका सिंबल भी यूज कर लिया जाए। समझ में आ गया, केवल पावर, केवल रेक्टेंगल बॉक्स और केवल फॉर्मूला या इक्वेशन, है ना। फॉर्मूले में बच्चों स्पीड लिखोगे, अगर वी लगा दोगे तो ये फॉर्मूला निकलेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना, आगे चल सकते हैं। तो डायमेंशन याद रखने के लिए काफी सारी ट्रिक्स मैं तुम्हें समझाऊंगा बच्चों, फिर भी तुम्हें याद रहनी चाहिए। अब तुम 11th 12th पूरा पढ़ चुके हो तो डायमेंशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तुमने सबने बच्चों अच्छे से पढ़ा होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस के कितने एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों साफ साफ लिख रहा हुआ, तू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक CGS सिस्टम में, एक तो है बच्चों MK सिस्टम, और मैं बात कर रहा हूँ बच्चों CGS में, तो न्यूटन को CGS में क्या बोलते हैं, हमें पता बच्चों डाइन बोलते हैं। बस ये पता करना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10^5 डाइन होते हैं। ये तुमने पहले भी पढ़ा है बच्चों, 100% पढ़ा है। तो करना क्या है, फॉर्मूला तो यही उठाएंगे ना बच्चों हमारे पास, क्योंकि क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। बोलो हाँ, ये लिखा हुआ बच्चों ऊपर, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। समझ में आया नहीं है, पक्का ना बच्चों, ठीक है नहीं। ये कुछ निर्देश देने थे बच्चों, तो हमारे पास N1 U1 बराबर N2 U2 है, और इसी तरीके से ये कहलाता है बच्चों कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया था ना कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, तुम बोलो 1 किलोग्राम आटा दो या 1000 ग्राम आटा दो, दोनों में क्वांटिटी सेम मिलने वाली है, नो चेंज, याद रख लेना बच्चों, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो बन चुका है, इसी फॉर्मूले पर गौर फरमाओ बच्चों कि इस फॉर्मूले पे लिख दिया था बच्चे N2U2 बराबर N1U1, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा। तुम्हें निकालना क्या, एक्चुअली में तुम्हें निकालना N2, क्योंकि U1 और U2 यूनिट तो सबकी पता होती है, चाहे वो MKS हो चाहे CGS हो, भी लिस्ट बताई थी मैंने, है ना बच्चों। तो N2 बराबर N1U1 मतलब ऊपर वाली डायमेंशन आ जाएगी, इसका मतलब नीचे वाली डायमेंशन आ जाएगी। तो ऊपर वाली डायमेंशन को बोल दिया बच्चे क्या, m1 l1 t1 की पावर a b c, और नीचे वाले को बोल दिया m2 l2 t2 की पावर a b और c, और दोनों को कंबाइन रूप से लिख दिया। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो चुका है, ये तुमने पहले भी देखा होगा बच्चों, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका। बस तुम्हें एक चीज टकराती बच्चों, वो है ABC, मतलब डायमेंशन तुम्हें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, डायमेंशन। डायमेंशन याद करने का ट्रिक बताऊंगा अभी मैं तुम्हें, थोड़ा सा सबर रखो बच्चों, आने वाला है। फिर चेक करते हैं बच्चों दूसरा नंबर, पहला तो क्या हो गया बच्चों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, दूसरा है बच्चों की चेक करना है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ, इक्वेशन जो दे रखी है, वो सही है या नहीं, सही है या नहीं। अब इसके लिए तो बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज समझाते हैं। अगर हमारे पास कोई बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH, चलो बताओ बच्चों क्या ये फॉर्मूला सही है क्या, तो अपन एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। अब एनर्जी की डायमेंशन निकाल के देख लेंगे भैया, पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या हुआ, है तो एनर्जी ना, और इसमें मास की डायमेंशन मतलब M1, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब L1 T2, और हाइट है तो मतलब L1, तो ये हो गया बच्चों m1 l2 t-2। तो हमारे पास ये मिला, और जो कि क्या एनर्जी की डायमेंशन होती है, नहीं होती, बिल्कुल सही है, होती है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ऐसे काफी सारे फॉर्मूला होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं ना बच्चे, T=2π√L/g, ये हमारे पास टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम है, तो ये फॉर्मूला सही है या नहीं, बिल्कुल देखते भी चेक करते हैं। तो T=2π, तो डायमेंशन लेस है बच्चों, सभी कॉन्स्टेंट क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, कोई डायमेंशन उसमें नहीं होती है। तो ये 2π हो गया, √L है तो L1 हो गया, g बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया, ऊपर चल गया बेटा सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचेगा, केवल सेकेंड बचेगा। तो क्या टाइम पीरियड सेकेंड में होता ही नहीं होता, बिल्कुल सही है बच्चों, स्पीड में चला लेकिन 100% समझ में आया। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना एक प्रॉपर्टी होगी, दूसरी क्या है बच्चों चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं, और तीसरा है बच्चों हमारे पास चेक फॉर्मूला ड्राइव करना, रिलेशनशिप निकालना, कि हमें बताना है कि जैसे मान लो कि हमारे पास T=2 क्या है, 2π√L/g है। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये तो आया कब होगा, कैसे आया होगा, इसके लिए तो करने के लिए बहुत जरूरी है बच्चों कि हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, 2π√L/g। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास कैसा होता, मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास जो होता वो किस तरीके से होता, अभी बताता हूँ कैसे होता, बड़े सिंपल सी है। तो हमें क्या बोला है कि टाइम पीरियड, क्या बोला बच्चे,
टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड मतलब सभी ने बच्चों निर्भर कर रहा है किस किस पर, एक तो लेंथ ऑफ वायर और एक है बच्चे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जी पर। तो अपन ऐसे लिखेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे, वन प्लस टू को एक साथ अगर लिखता हूं मैं, वन और टू को, तो टी इज इक्वल टू एल जी। पावर लिखना बहुत जरूरी है, एल और जी कितना हमें नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि बच्चों डिपेंडेंसी लिख दो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बस पावर निकाल दो। ए बी अगर पॉजिटिव पावर होगी तो ऊपर रहेगा, निगेटिव पावर रहेगी तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, मतलब इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए और जी की पावर बी है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्स्टेंट आ गया, एल की पावर ए जी की पावर बी। कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, अब हमें चेक करना है कि फॉर्मूला सही है नहीं। टी वन की डायमेंशन बच्चे एम वन, ओहो एल एम एम जीरो एल जीरो टी वन, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आएगा बच्चा के की कोई डायमेंशन नहीं, एल की डायमेंशन होगी एल वन, और यहाँ पर आ गया ए, और जी की डायमेंशन है बच्चा एल वन टी माइनस टू, और इसकी पावर होगी बच्चों बी। तो ऊपर हो गया एल की पावर है, इधर हो गया एल की पावर बी और टी की पावर माइनस का टू बी, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो एल की पावर सेम है, अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, और टी की पावर माइनस का टू भी चलेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है, एम जीरो एल जीरो टी वन चल रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एम जीरो एल जीरो टी वन चल रहा है। दोनों को क्या कर दो बच्चों आपस में, जल्दी से बताओ, कंपेयर कर दूँ क्या मैं आपस में, क्या कर दूँ बच्चों कंपेयर कर दूँ, तो एम तो है ही नहीं कहीं पे लेकिन एल जरूर है। तो क्या ए प्लस बी की पावर जीरो हो जाएगी और माइनस का टू बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, वन हो जाएगा। मतलब बी वाला तो इससे कंपेयर हो जाएगा और एल वाला इससे कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस का वन बाई टू, और बी की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ए की वैल्यू आ रही है बच्चों प्लस का वन बाई टू। पक्का बच्चे समझ में आया नहीं है, जल्दी से बोल दो हाँ, 100% समझ में आया नहीं है, जल्दी से बोलो हाँ या ना, पक्का ना बच्चों, आया ना आया ना आया ना, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा बच्चों चलेगा, दौड़ेगा पक्का ना बच्चों, 100% चलेगा ना। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, टी इज इक्वल टू के एल की पावर वन बाई टू, बी की पावर माइनस है तो नीचे चला गया, तो टी इज इक्वल टू के रूट में एल बाई जी आएगा, बी नहीं आएगा बच्चे जी आएगा। तो बताओ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सही है क्या, बिल्कुल सही है। बस टू पाई सूत्रों से पता चला कि के की वैल्यू है कॉन्स्टेंट टू पाई सूत्रों से बच्चों, साइंटिस्ट ने जिसने भी इसका फॉर्मूला ड्राइव करा वो सब बता देगा कि हाँ ऐसा है। फिर आता है बच्चों लिमिटेशन ऑफ मेथड, इसको यूज करने के लिमिटेशन क्या क्या, सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस मेथड कैन बी यूज ओनली इफ द डिपेंडेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन टाइप, मतलब अगर ये मल्टीप्लीकेशन टाइप है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला है और मुझे ड्राइव करना, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों एम जी, अभी भी देखा था हाँ सही है। तो इसमें मास जी और एच तीनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनको ड्राइव किया जा सकता है बच्चों आसानी से, बिल्कुल सही है। फिर अगर मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हट चुका है बच्चों, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हट चुका है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या आ चुका है बच्चों, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये आ चुका है हमारे पास ब्लू लाइन और ये येलो रीजन आ गया ना बच्चों, तो इसीलिए ये ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, प्लस आ गया तो बच्चों चीजें टूट गई है, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए ही एक्सेप्टेबल है। द फॉर्मूला इज कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, दूसरी बात है बच्चों एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, टेन थीटा नहीं होना चाहिए, लॉगरिथम मतलब किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, कांट बी डिराइव यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड से तो इनको डिराइव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इनका डेरिवेशन नहीं आया बच्चों, आया है, लेकिन इस मेथड से तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड जो है बच्चों क्या मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन में ही काम करता है। फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक दिस, अगर हमारे पास एस इज इक्वल टू जैसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है ना, तो इसमें एस की जो डायमेंशन होगी इस वाली टर्म की जो डायमेंशन होगी और इस वाली टर्म की जो डायमेंशन होगी, ए बी सी हमारे पास तीन टर्म्स मिले हैं, और तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन होगी बच्चों, तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी बच्चों, होमोजीनियस होगी, क्या होगी बेटा होमोजीनियस होगी, पक्का ना बच्चों, क्लियर है या नहीं है, आगे समझ में बोलो हाँ 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 बिल्कुल सही है। डायमेंशन होमोजीनियस का मतलब होता है समांगता, विमीय समांगता का नियम कहलाता है ये, ठीक है भैया। दूसरा क्या है, द रिलेशन डिराइव फ्रॉम द मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, मतलब के लिए मैंने बताया ना बच्चों इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, ये सूत्रों से पता चलता है, जो भी साइंटिस्ट इसकी डेरिवेशन करता है उसको पता होता है, लेकिन अपन को अगर अपन डायरेक्ट इस मेथड से कर रहे तो अपन थोड़ी इसका के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोड
000 कोड में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस, ग्रेडियंट, रिलेटिव परमीबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब एप्सिलॉन आर और म्यू आर की बात हो रही है, तुमने पढ़ा होगा बच्चों। परमिबिलिटी, परमिटिविटी, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता, हाँ है ना बच्चों। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी तुमने पढ़ा है। रेनॉल्ड नंबर भी पढ़ा है तुमने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ा है बच्चों। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये काफी सारी चीजें तुमने देखी होगी, लेकिन इसको तुम एक ही तरीके से याद रख लोगे बच्चों। स्क्रीन पे जैसा शॉर्ट दे रखा है उसी शॉर्ट से तुम कोड याद रखोगे कि 00 कोड में ये सब अंदर भंडार रखाने आए हुए हैं। तुम्हें सिर्फ दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ऐसी क्वांटिटी 00 कोड से बिलोंग करती है, इसलिए इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं बच्चों 100 नंबर में। पुलिस नंबर पर फोन करना था, मास और मोमेंट याद रख लेना बच्चों 100 नंबर। पुलिस वाले कौन कौन है? मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब फिजिक्स के जो पुलिस वाले है वो कौन है? मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इंपल्स की बात करेंगे बच्चों, किसकी? मोमेंट ऑफ इंपल्स की, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 111 आ जाएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? एक माइनस का आ जाएगा। 111 नाम की चीज किसी में नहीं देखने को मिलेगी जितना इसमें देखने को मिलेगी, 1 1 -1, समझ में आया बच्चों? तो इंपल्स और मोमेंटम ये दोनों क्या है बच्चों? 1 1 -1 के बराबर है। अब बच्चों धीरे धीरे पावर बढ़ती जाएगी तो तुम्हें कोड याद रखना पड़ेगा कि 1 1 -2 पर कोड क्या होगा, 1 -1 -2 पे क्या होगा, 1 2 -1 पर, 1 2 -1 पर क्या होगा? तो ये प्लैंक कॉन्स्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ऐसे काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमें रट जानी चाहिए बच्चों, दिमाग में घुस जानी चाहिए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी से बोल दो हाँ। समझ में आ गया? पक्का ना बच्चों? ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा? इस कोड से याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। और प्रैक्टिस से तो अपन क्या क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल बच्चों, बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं। फिर आता बच्चों लेटेंट हीट, 9 10 11 12 13, ऐसी काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने तुम्हारे सामने स्क्रीन पर रख दी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चों। ये वाला जो सिरा है ये तुमने 11th में नहीं पढ़ा था, लेकिन 12th में भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि 12th में तो ये सारी चीजें काम की, लेकिन अपने पढ़ा नहीं था, इसलिए तुम इसको अब रीडिंग लगाना और इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेना। डायमेंशन है बच्चों याद रखनी पड़ेगी, याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है मैंने बता दिया। फॉर्मुला याद है तो डायमेंशन बना सकते हो, फॉर्मुला अगर तुम्हें याद है तो डायमेंशन तुम बना सकते हो। किसी का भी फॉर्मुला याद हो डायमेंशन तुम आसानी से बना सकते हो। एंगुलर मोमेंटम हो गया, एल हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों जल्दी से बताओ? एंगुलर मोमेंटम यार, जैसे लीनियर मोमेंटम निकाला था ना बच्चों अपन ने, कैसे निकाला था? डी टी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? एम ओमेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह, सॉरी, आई ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, अगर मैं लीनियर की बात करूंगा, यहाँ पर मास है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ पर वेलोसिटी तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होगा, यहाँ एक्सेलरेशन तो यहाँ अल्फा होगा, यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ये है स्टेशनरी मोशन, इलेक्ट्रिक लीनियर मोशन, और ये है रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, याद रख लेना बच्चों। थोड़ा थोड़ा मैंने घस पीट करके समझाया है, लेकिन चलेगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास स्क्रीन पर आएगा बच्चों लीस्ट काउंट, है ना। यहाँ तक अपने जो बात करी थी ना पहले, वो डायमेंशन की बात करी थी। पी वाई क्यूज करेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सारी चीजें वो पहले पता होनी चाहिए, डायमेंशन तुम्हें याद आ जानी चाहिए बच्चों, फिर अपन उस लेक्चर को देख सकते हैं अच्छे से। अगले लेक्चर तक पहुंचने के लिए बच्चों मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, तुम अगले लेक्चर तक तभी पहुंच पाओगे जब तुम वो सारी चीजें डायमेंशन अच्छे से याद कर लोगे। उसमें से बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वेटेज है बच्चों 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब अपवर्तनांक। अब बच्चों किस पर आ चुके हैं? डायमेंशन यूनिट की अपन ने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट मतलब मापन पे आ चुके हैं बच्चों। किस पर? मापन पे। मापन मतलब उपकरण पे आ चुके हैं, उपकरण मतलब इक्विपमेंट पे आ चुके हैं बच्चों। किस पे आ चुके हैं बच्चों? इक्विपमेंट पे। तो इन सब की बातें करते करते हम लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पे आप सबके सामने दिख रहा होगा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट और रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन याद रखना बच्चों, यही एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। किसको? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है योग्यता, मतलब कोई भी इक्विपमेंट आप लेके आ रहे हो उसका रिजोल्यूशन कितना ज्यादा। रिजोल्यूशन जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल तुम खरीदते हो ना, तो वहां पर तुम रिजोल्यूशन देखते हो कि तुम्हारे मोबाइल खींचते ही फोटो का रिजोल्यूशन कैसा आ रहा है, पिक्सल फट तो नहीं रहे, फट रहे तो कितना फट रहे, और नहीं फट रहे तो बच्चों उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। तो यही बच्चों, अगर छोटी से छोटी वैल्यू भी फाइंड कर ली जाती किसी भी इक्विपमेंट से तो उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, छोटे से छोटा काउंट करना, या फिर इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। याद रहेगा बच्चों, तुमने पढ़ा बच्चों, इसे अपन बोलते हैं अपवर्तन। नहीं, अल्पतमांक। ये क्या बोल दिया मैंने? अपवर्तनांक, अल्पतमांक। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्पतमांक। हो जाती है बच्चों छोटी छोटी गलती, ज्यादा डरने की बात नहीं। ऐसे नहीं टांगे वाले को जाके बता दो कि ये तो गलत गलत बताया सर ने,
ठीक है ना बच्चों, आगे चल सकते हैं। तो अल्पतमांक का मतलब क्या होता है ये हमें अच्छे से समझ में आ चुका है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। बोलो हाँ समझ में आ गया बच्चों, ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ इक्विपमेंट दे रखे हैं जिसके लीस्ट काउंट हम पढ़ेंगे। जैसे स्केल है, तो स्केल में मिनिमम यूनिट क्या दे रखी है बच्चों, 1 mm। तो इसका लीस्ट काउंट कम से कम कितना काउंट करता है बच्चों, ये 1 mm तक का काउंट करता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है बच्चों, और इसका कितना होता है बच्चों 1 mm। अगर अपन वेट मशीन पर जाते हैं तो उसका लीस्ट काउंट होता है बच्चों 1 kg। वेट मशीन समझ रहे हो ना बच्चों, मेले में चले गए, 2 रुपए का सिक्का दिया और तोल लिया अपने आपको, वाह भाई वाह, दूसरे दिन से एक्सरसाइज चालू। और जो इलेक्ट्रिक होता है उसका लीस्ट काउंट कितना बच्चों, 1 ग्राम। मतलब ये ग्राम्स तक भी मेजर करता है। जैसे हमारी घड़ी होती है, हैंड हैंड वॉच, ये क्या होती है बच्चों, 1 सेकंड इसका लीस्ट काउंट होता है। लेकिन जो स्टॉप वॉच होती है इसका 0.01 सेकंड होता है, 0.01 सेकंड, मिली सेकंड में भी काम करता है। हाँ है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। स्क्रू गेज का होता है बच्चों 0.01 mm, और स्पेरोमीटर तीन टांग की छतरी 0.001 mm। तो ये 1, 2, 3, ये तीन तुमने अच्छे से पढ़ा बच्चों, वर्नियर और ये तीनों। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1, 0.01, 0.001 क्यों यूज करते थे तो पता चल गया कि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों ये इनका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम ये कितने चीजें काउंट कर रहे हैं, दिख रहा होगा बच्चों डायग्राम अच्छे से। और तुम वीडियो बार बार पीछे रिपीट टेलीकास्ट में करके देख रहे हो, मुझे पता है तुम चीजों को समझने की कोशिश करो। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे तुम इसके अंदर ढल जाओगे, सारी चीजें आ जाएगी। क्योंकि बच्चों स्पीड पकड़ना बहुत जरूरी है, स्पीड पकड़ ली ना बच्चों मजा आ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट में इतनी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी जितनी स्पीड सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे जो कि हमें पता होने चाहिए। देखें बच्चों जस्ट टाइम है, तो टाइम जो मेजर कर रहा हूं मैं 12.76 सेकंड, जो कि तो होता नहीं है। तो 12. मैं 56 सेकंड बोल देता हूँ बच्चों इसको, है ना, 12.56 सेकंड। तो ये एक्चुअली में कितने फिगर बता रहा है बच्चों, 1, 2, 5, 6, तो मतलब चार फिगर दिखा रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया बच्चों 4। इसमें कितना आ रहा है बच्चों नंबर, 1, 8। तो इसका मतलब 1 और 8, ये 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। तो मतलब सिग्निफिकेंट होता क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स और लास्ट अनसर्टेन डिजिट। बच्चों मैं बता देता हूँ कि लास्ट अनसर्टेन डिजिट क्या होती है और रिलायबल डिजिट क्या होती है। एक एक करके रूल्स पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, सिग्निफिकेंट फिगर पर 3 आ रहे डिजिट, तो इसका मतलब 3 आ गया। इसमें 2 ही है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पीछे वाले यूनिट लगा दो, बहुत बड़ी बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल्स नंबर 1 अपन पढ़ेंगे बच्चों, रूल सिग्निफिकेंट नंबर यूज करने के, हमें काउंट करना है कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं किसी भी क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे डिजिट हो, तो यार बच्चों सीधा गिन लो 2, 3, 4, बात खत्म सीधे सा। और रूल्स नंबर 2, अगर सिग्निफिकेंट नंबर में जीरोस भी आ जाए बच्चों, क्या आ जाए बच्चों जीरो, लेकिन जीरो कहाँ पर आया बच्चों, बीच में आए। अगर बीच में आ गया तो काउंट करना पड़ेगा, 205 है तो 3 होगा 4 होगा, 3 और 2 5 होगा, तो इसका मतलब 0 बीच में आ रहा तो उनको काउंट किया जा सकता है सिग्निफिकेंट नंबर में। लेकिन अगर 0 साइड में आ जाए, पीछे आ जाए, या फिर क्या आ जाए बच्चों आगे आ जाए, लेकिन मैं पीछे की बात करूंगा ना, तो पीछे वाले 0 को कंक्लूड नहीं करते हैं। केवल 4 डिजिट आ रही, इसका मतलब 1 आ गया, इसमें 305 को मानेंगे, और इसमें 2 0 ±1 है बच्चों, गौर फरमाना, 2 0 ±1। तो इसका मतलब अगर 2 20 प्लस माइनस 1 का मतलब होता है या तो 20 प्लस 1 या 20 माइनस 1। 20 प्लस 1 मतलब 21 और ये 19, दोनों में आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे, इसलिए 2 लिखा हुआ है। पक्का बच्चे समझ में आ गया, पीछे 0 नहीं होना चाहिए, हटा दिया जाएगा। अगर मैं बोलूँ 5000 तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं, 5 नहीं बोलते ना बच्चों, 1 होगा। हाँ अभी 5 लिखने वाला था मैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट नंबर, अगर 0 जो है वो कहाँ पॉइंट के बाद आ जाए, सुनना बच्चों पॉइंट के बाद। देखो बच्चों अगर मैंने लिखा 6400 तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर तो 2 हो गया, लेकिन अगर 6.00 आता है ऐसे तो उसका 4 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि पॉइंट से पहले जो 0 अगर आ रहे हैं तो उसको तो काउंट नहीं करते, लेकिन पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे हैं उसको काउंट किया जा सकता है। वापस बोलूं, जैसे 2050.345, तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, ये 0 पॉइंट के बाद, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट नंबर है बच्चों। लेकिन अगर 2050 पॉइंट बस इतना लिख दिया और पीछे 0 0 लगा दिया, तो बच्चों बात सीधी सी है कि यहां पर इन 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। और 2050 का क्या होगा बच्चों, 3 आंसर आएगा। इस वाले केस में देखो बच्चों क्या आंसर आने वाला, पॉइंट के बाद 0 बाद में आ रहा है ना, इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चे हमारे पास 3 आ गया। इसमें कितना आ रहा है, 2580, 0 बीच में माना जाएगा, 0 बाद में माना जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चे 5 आ गया। काउंट करके देख लेना बच्चों सिग्निफिकेंट नंबर, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों स्क्रीन पर नया क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आएगा बच्चों, देखो सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है बच्चों, पढ़ क्या रहे बच्चों अपन, सार्थक अंक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सार्थक अंक। हिंदी मीडियम वालों अगर तुम्हें लग रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो बच्चों हमारे पास टॉपिक है बच्चों सार्थक अंकों की हम बात कर रहे हैं। आके लिख दिया मैंने, ठीक है छोड़ो।
इफ द नंबर इज लेस देन वन, अगर कोई नंबर वन से छोटा है तो ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मान लो 0.00 जैसे 64 लिखा है तो पॉइंट के बाद के दो जीरो इंक्लूड होंगे, ये दो डिजिट है तो आंसर आ गया 4, लेकिन पॉइंट से पहले जो जीरो था उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था। इसमें भी क्या होगा बच्चों, 4 आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, 0.0850 इस वाले केस में देखना बच्चों, इस वाले केस में देखो, अगर सोचो जरा 0.08 ऐसा होता तो हम इसको क्या बोलते बच्चों, डिजिट के सामने आगे की तरफ आ गए ना हमारे पास, डिजिट के आगे की तरफ आ गए, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा बच्चों, 1 2, पीछे कुछ और आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, बच्चे कितनी जीरो आ जाए तो अपन सही लिख सकते हैं आंसर, लेकिन आगे वाले को नहीं लिखेंगे। बोलो हाँ समझ में आया, मतलब छोटा है तो आगे वाले जितने भी जीरो गए उसको सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं लेंगे, इसमें भी तीनों जीरो चारों जीरो नहीं लेंगे, 1 2 3 4 4 इसका आंसर आ गया। फिर आता है सिग्निफिकेंट नंबर फॉर रूल नंबर 6, ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट पावर ऑफ 10 to avoid, मतलब 10 की पावर को क्या करेंगे बच्चों, अपन अवॉइड करेंगे। जैसे मान लो कि अगर 2.700 है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर आ गया बच्चे 4, इस वाले केस में भी 4 आएगा, इस वाले केस में भी 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम 10 की पावर लगा दो तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, जैसे 2.700 है, 10 की पावर अगर 2 होता तो भी 2.70 ही लिखते, तब भी आंसर क्या मानते बच्चे, 4 ही मानते हैं ना। हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास एरर को एनालाइज करना, क्या बच्चों, एरर को एनालाइज करना एक मंत्र है बच्चों जो याद रखना, मोर प्रैक्टिस लेस एरर, इस वर्ड से याद रखना, मोर प्रैक्टिस लेस एरर, मतलब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा तुम करते हो एरर उतनी क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है, एरर उतनी क्या हो जाती है बच्चों, जल्दी से बता दो, कम होती जाती है। तो मतलब तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, एरर कम करनी है। एरर को एनालाइज कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मान लेके बच्चों हम एरर, सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, एरर जो टॉपिक है वो एक थ्योरिटिकल टॉपिक है, थ्योरिटिकल के बाद एक न्यूमेरिकल कन्वर्जन भी हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ बच्चों की एरर की डेफिनेशन और इसके बारे में जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में बातें नहीं कर रहा मैं, एक एनालिटिकल चीजें की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम एरर फाइंड करते हैं अगर हमारे पास कोई सिक्वेंस डाटा दे दिया जाए। जैसे मान लो कि हमें कैसे पता चलेगा कि एरर आई है या नहीं है, तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले मेजरमेंट करना चालू करा है ना, ठीक है ना बच्चे, क्या चालू करा बच्चे, मेजरमेंट करना। तो मतलब मेजरमेंट करना मतलब मापना स्टार्ट कर रहा। तो मान लो कि मैंने एक रीडिंग ली, ये रीडिंग दिख रही बच्चों सिंपल पेंडुलम जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। तो मान ले कि 1 सेकंड में कितना हुआ, 2 सेकंड में कितना हुआ, 3 सेकंड में कितना हुआ, 4 सेकंड में कितना हुआ और 5 सेकंड में कितना हुआ, तो ये मेजरमेंट ऑफ x1, ये हमने निकाल दिया कि कितने टाइम पीरियड में ये कितना एक्सेस डेवलप कर रहा है, समझ में, मीन पोजिशन से कितना दूर जा रहा है। तो हमने ये सारी चीजें इसके अंदर निकाल लिए बच्चों ना, तो सारी ट्रायल्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब सारे ट्रायल्स के अंदर अलग अलग सेकंड में, पहले सेकंड में कितना हुआ, दूसरे सेकंड में कितना हुआ, लेकिन बराबर जाना चाहिए था, हमें पता है पहले सेकंड में इतना जा रहा तो दूसरे सेकंड में भी 3.9 जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर आ रही होगी बच्चों, सोचो जरा, बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, तो अगर इसके अंदर एरर आ रही है तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास एक टेबल हमारे सामने स्क्रीन पर पड़ी है, ये देखो बच्चों स्क्रीन पर टेबल, इसमें 1 पर कितना आ रहा है बच्चों, 3.9, 2 पर कितना आ रहा है, ये तो रीडिंग हमें कितनी ले ली बच्चों, 5 ले ली। 5 रीडिंग क्यों लेते हैं जल्दी से बताओ बच्चों, 100% तुम्हें पता चल गया होगा काफी लोगों को, तो जो प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल बहुत शोरों शोरों से करा है, जोरों शोरों से करा है, शोरों जोरों से नहीं, जोरों शोरों से, तो 5 रीडिंग इसलिए लेते हैं ताकि इन सबका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपन एवरेज निकाल सके। तो एक्स बार मैं निकालूंगा तो 1/n σ(x i), आई इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक कर देना, या फिर एक्स बार जो होता है 1/n σ(x i), आई की वैल्यू है 1/n का डिवाइड कर देता हूं, तो x1, x2, x3, x4, x5, बात खत्म। यहां से मुझे मिलेगा बच्चों क्या, एक्स बार मिलेगा, क्या मिलेगा काम वालों, यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स बार, पक्का ना बच्चों, चलेगा, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से देखो बच्चों, इन सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 3.6 समथिंग आ रहा है, तो ये तुम्हारा एक्स बार मिला, जो कि कौन सी वैल्यू कहलाती है बच्चों, मीन वैल्यू कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, मीन वैल्यू। मतलब मान लो कि हम एक स्टॉप वॉच लेकर, ये सिंपल पेंडुलम हमने एक इक्विपमेंट खरीदा और हमें बोला गया कि यार सही काम करेगा, लेकिन अपन ने रीडिंग करके देखी तो इसकी रीडिंग अलग अलग है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने मुझे अगर बोला होता कि ये 3.6 सेकेंड, 3.6 मीन डिस्टेंस लेता है, तो बच्चों 3.6 हर बार आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, लेकिन अभी आ गया, और अगर ये 3.6 नहीं बोलता तब तो हमें कैसे पता चलता ये सही है या नहीं। एवरेज वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं,
एवरेज वैल्यू को ही हम क्या मान लेते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है बच्चों, मोस्ट पोर्टेबल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड। ये प्रोबेबल वैल्यू है बच्चों टाइम पीरियड के लिए, याद रहेगा बच्चे, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है, जिसको अपन बोलेंगे 3.6, और यही क्या कहलाते हैं बच्चे, ये एक्चुअल वैल्यू कहलाती है, जिसे अपन बोलते हैं वास्तविक मान। और यही एक्चुअल वैल्यू से हम आगे की बातें कंप्लीट करेंगे। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी होती बच्चों, इसलिए 5 रीडी निकालते ताकि उसका मीन निकाल सके और उसको अपन क्या मान सके बच्चों, एक्चुअल वैल्यू मान सके। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अगर हमें गिवन ना हो तो हमें इसी तरीके से रीडिंग करके एवरेज निकाल के एक्चुअल वैल्यू माननी पड़ती है। तो हमें मीन वैल्यू तो मिल चुकी है, अब मीन वैल्यू से निकालते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं बच्चों अपन, एब्सोल्यूट एरर। अब क्या होता है बच्चे, एब्सोल्यूट एरर कोई बड़ी बात नहीं है, एब्सोल्यूट एरर का निकालने का तरीका अलग अलग का अलग अलग निकलेगा। एक्स बार में से एक्स आई का माइनस करेंगे, जैसे मान लो कि पहले वाला कितना था बच्चों, 3.6 में से 3.9 माइनस करना, तो हमारे पास आंसर आया -3, लेकिन -3 नहीं लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा दिया जाता है बच्चों, मॉड्यूलस लगा दिया जाता है 0.3। देख लो बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, कहीं पे भी आंसर माइनस में नहीं आया। तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा किस में लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव में लेते हैं, ताकि ये फॉर्मूला तुम्हें बता रहे हैं मॉड्यूलस के सिंबल को, ठीक है ना बच्चों। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब, अब जितनी भी हमारे पास डेल्टा एक्स आई मिला, इन सबको जोड़ के एन का डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म का, तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल चुकी है, जिसको डेल्टा एक्स बार बोलेंगे। एक तो निकाला एक्स बार, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाली अलग अलग, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इसी का एवरेज निकाल दिया, तो हमारे पास 0.01 मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आ कितनी रही है, एरर हर पॉइंट पर कितनी आ रही थी, 0.3, 0.1, 0.1, 0.10। अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूंगा तो मुझे एक्चुअल एरर मिल जाएगी, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो हाँ, एरर निकालना अलग चीज होती है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर निकालना अलग चीज होती है, जो कि अलग अलग टाइम्स पे निकाली जाती है, जबकि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो पूरी एरर्स का एवरेज होता है, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो हमारे पास 0.1 वैल्यू मिल चुकी है। अब रिजल्ट निकालते बच्चों, रिजल्ट क्या है, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू कितनी थी बच्चों, 3.6। अगर मैं प्लस माइनस एरर लिख दूं 0.1, तो ये हमारी क्या मिल जाएगी बच्चों, रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिवनेस के नीचे अपन लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चे ये, ठीक है ना बच्चे। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकली उसमें मीन का डिवाइड कर दो बस, ये रिलेटिव एरर है, मतलब 0.1 के नीचे 3.6 का डिवाइड कर दो, पॉइंट से पॉइंट करिएगा 1/36, तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारा आंसर ये कहलाएगा। और यही से परसेंटेज एरर निकाल दो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, परसेंटेज एरर मिल जाएगी, मतलब 1/36 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देना, परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो 100 में 36 का डिवाइड करोगे और परसेंटेज लगा देना, तो तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, परसेंटेज एरर, जो कि कितना मिला है, इतना मिला है। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू 0.28 मिली है, 0.028, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 2.8 की एरर इसके अंदर एब्सोल्युटली आई ही है। तो ये मैंने तुम्हें डाटा बता दिया बच्चों, प्रैक्टिकल के अंदर हम बेसिकली यही चीजें फॉलो करते हैं। बोलो हाँ, हाँ या ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया जल्दी से बोल दो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ बच्चों, जब भी तुम बैठो ना तो मैं सोच समझ के बैठना, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट लेक्चर की बात क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम बैठो तो सोच समझ के बैठना बच्चों, कि नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन तुम्हें सारी आनी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, अपन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बच्चों क्वेश्चंस जब सामने आते हैं ना, तब तुम्हें परेशान करने लायक बन जाते हैं वो क्वेश्चन, सामने आते ही बात खत्म हो जाती है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या ये कहानियां है आखिर में, ठीक है ना बच्चों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझते हैं बच्चों, है ना, कि एरर को कैसे कंबाइन किया जा सकता है ना। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग, ये हमें अलग अलग एरर के बीच में ये एक्सप्रेशंस दौड़ाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा एक्स, ये बच्चों मान लेते हैं कि ए बी सी की क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर है बच्चों। डेल्टा ए के ऊपर बार नहीं लगाया है ना, याद रखना बच्चों, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है बच्चों, केवल एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है। मुझे पता है बच्चों, एकदम से मैं आगे आगे स्लाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें पुराना ऐसा लग रहा है कि भूल जाओगे, नहीं बच्चों 100%, अगर तुम खुद के नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो पक्का बच्चा समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है ना बच्चे। आगे चले अपन, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एडिशन की। तो जब मैं एडिशन की बात करता हूँ तो इनकी जो रिलेटिव एरर होती है बच्चों, रिलेटिव एरर समझते हो ना, डेल एक्स अपॉन एक्स की, क्योंकि एक्स तो क्या है बच्चों, रिजल्ट निकाल रहे अपन, है ना। तो इन दोनों के सम के और इन दोनों के एक्चुअल सम के, यहाँ नीचे इसमें भी क्या आएगा बच्चे, प्लस माइनस में लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पर दोनों का तो सम हो गया और नीचे भी क्या आ गया बच्चे, दोनों का सम ही लिख देंगे डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, है ना। इसमें तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एडिशन करते समय जो एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा वो दोनों की एरर को
दोनों की एब्सोल्यूट एरर को सम करने के बराबर मिलेगा। बिल्कुल सही है बच्चों, हाँ या ना, चलेगा ना बच्चे? ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में बच्चों यही फॉर्मूला काम में आएगा, ये ध्यान रख लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों फॉर्मूले में यही काम आएगा, डेल एक्स बाई एक्स बराबर डेल ए बाई ए, माइनस कहीं पे भी नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस कहीं पे भी नहीं आएगा, सब जगह क्या आने वाला बच्चे, प्लस आने वाला है। क्योंकि एक्स बराबर अगर ए प्लस बी है तो डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, डेल ए प्लस डेल बी, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर डेल एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है, तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी है, तुमने 11th क्लास में देखा भी है, लेकिन बच्चों डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से याद रखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों केस में जो रिजल्ट मिलने वाला है डेल एक्स अपॉन एक्स, वो डेल ए इन दोनों के रिलेटिव एरर और इन दोनों के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है, और एक्स को वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर देना। और जब पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, ये भी अपन पढ़ चुके बच्चों, डेल्टा एक्स बाई एक्स जो होगा एन पावर आगे आ जाएगी, तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा वो। बिल्कुल बच्चों समझ में आया, और एक्स का मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, ठीक है ना बच्चे, चलेगा। तो ये हमने यहाँ पर एरर खत्म करी है जिसमें कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले यहाँ तक का सारा ज्ञान हमें होना चाहिए, पहले मैं बता देता हूँ बच्चों। हाँ, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, काफी मतलब शॉर्ट में था। और बच्चों ये काफी सारी चीजें मैंने तुम्हें ऐसी बता दी जो बिल्कुल हमें कंटस्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।